जय हिंद, जय भीम, जय शिवराज, जय महाराष्ट्र, जय प्रहार, जय दिव्यांग। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ फारूक खान है। मैं 88% दिव्यांग हूँ और सरकारी जो योजना रहती है दावत दिव्यांगों के लिए वो अभी तक दिव्यांगों के लिए मिली नहीं है। सबसे पहले तो मैं वीडियो के शुरुआत में हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट है जिसे हम दैवत मानते हैं दिव्यांगों के, आमदार बच्चू कोड़ू साहब, उनका आज शादी की सालगिरह है। उसके लिए मैं बच्चू कोड़ू साहब को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, आज जिस तरह से दिव्यांगों पर अत्याचार हो रहा है, दिव्यांगों का जो कानून है वो लागू नहीं हो पा रहा है। दिव्यांगों के कानून है, दिव्यांगों का मंत्रालय है, यहाँ तक दिव्यांग कल्याण आयुक्त है, उधर पे दिव्यांगों को सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है दिव्यांग कार्य अनुसार। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से राज्य के अंदर हमारे महाराष्ट्र राज्य में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने हमारे बच्चू कोड़ू साहब को दिव्यांग मंत्रालय खोल के दिया और उन्हें दिव्यांग कल्याण का मंत्र, दिव्यांगों के कल्याण के लिए उनको मंत्री बनाया गया। मगर जब तक वो उस मंत्री पद पे थे, दिव्यांग मंत्रालय के मंत्री पद पर बच्चू कोड़ू साहब थे, जब तक उनको दिव्यांगों की याद नहीं आई। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, जैसे ही दिव्यांग मंत्रालय उनके हाथ से गया, उस वक्त उनको दिव्यांगों की जो भी योजना की याद आई और सभी दिव्यांगों को लेके एक से दो बार बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन किए जिसमें हमारे लाखों दिव्यांग शामिल हुए और दिव्यांगों को आश्वासन ही मिला है। अभी जितना भी कायदा के अंदर जो भी योजना निकलती है गवर्नमेंट की वो सिर्फ कागज पे रहती है, उसको मराठी में बोलते हैं कागदावरती घोड़े नाचतात, दिव्यांग जी योजना चे नाव है। अभी आप देखेंगे दिव्यांगों की योजना जितनी भी निकल रही है, रैंप लगाना है, रेलिंग लगाना है, दिव्यांगों की योजना, अभी बच्चू कोड़ू साहब ने खुद एक दिव्यांगों का जो ये भर्ती रहती है अधिकारी लोग की, उन्होंने पर्दाफाश किया है कि किस तरह से आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर और अन्य आईएएस ऑफिसर दिव्यांग कोटे से दिव्यांग की नौकरी लिए। और इसी तरह से मुझे भी लगता है कि इसी तरह की योजना का भी लाभ वो अच्छे लोग दिव्यांग कोटे से ले रहे। ठीक है, अभी मैं तो देख रहा हूँ वो काम कर रहे, मगर जब इन्हें मंत्री पद मिलता है तो ये दिव्यांगों के लिए पेंशन क्यों नहीं बढ़ाते हैं, दिव्यांगों के लिए घरकुल योजना क्यों नहीं लागू करते। इनके हाथ पे था ना दिव्यांग मंत्रालय, तो इन्होंने अभी देखेंगे आप, मैं खुद 2-3 बार दिव्यांग मंत्रालय में गया हूँ तो उधर पे दिव्यांग इतने शौचालय नहीं है। अभी मेरे दिव्यांग भाई लोग पूरे राज्य से मंत्रालय में भी आते, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय में भी जाते, तो उधर की हालत खस्ता है। वहां पे दिव्यांग इसलिए भी शौचालय नहीं है, फ्रेश रूम नहीं है और रेलिंग जो लगी है रेलिंग हिलती है, आप देखेंगे तो रेलिंग कभी भी टूट के दिव्यांग भी मर सकता है और हट्टे-कट्टे लोग दिव्यांग हो सकते। इस तरह का मैं आपको एक न्यूज पेपर भी दूंगा, न्यूज पेपर मुंबई मिरर वाले ने फ्रंट पेज पे लगाया था कि दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय की कैसी खस्ता हालत है। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चू कोड़ू साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको राज्य के लोग भगवान मानते हैं दिव्यांगों का, मगर इस तरह का आप उनका शोषण ना करें। आप क्या करते हो, खाली अपने मंत्री पद जाने के बाद में दिव्यांगों का इस्तेमाल करते हो, ये इस्तेमाल मत करो। अगर करना है आपको सचमुच काम करना है तो हाउस में आप ठिया आंदोलन करो, हम आपके साथ में। अभी आपके पास से जब ये सब पद जो सत्ताधारी छीन लेते उसके बाद में आपको दिव्यांगों की याद आती है, ये कहाँ तक सही है? आप दिव्यांगों का वापर करना कब बंद करेंगे? दिव्यांगों को अगर वापर करोगे तो उनको फायदा ही पहुंचाए। आप फायदा अभी आप बोलोगे मैं तो पहुंचा रहा फायदा, मगर आपने उनको पेंशन 6,000 रुपये देना क्यों नहीं चालू करवाया आपने, सिर्फ 1,500 और 1,500 के में आज के दिन में क्या मिलता मुझे बताइए ना आपने। और दूसरी बात ये थी मेरी, जो दिव्यांगों पेंशन मिलती है ये पेंशन के लिए बहुत सारी अटी शर्ती है, इसके लिए मैं बहुत बार आपको भी लेटर दिया, मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दिया, अटी शर्ती शिथिल करो, जो दिव्यांग है उन्हें सीधा पेंशन लागू किया जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि भाई 50,000 के अंदर इनकम मांगता है, जबकि लाड़की बहन में 2,50,000 रुपया उत्पन्न दाखला इनकम सर्टिफिकेट की आरटी रखी है, तो हैंडीकेप के साथ में इतना दूजा भाग क्यों है? अपना दो तरह से क्यों देख रही है हमारी गवर्नमेंट हैंडीकेप को? उनको बोला जाता है
कि भाई 50,000 के अंदर इनकम रहेगी तो आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहां तक सही है, ये अन्याय हो रहा है। अभी आप देखिए बच्चू कोड़ू साहब की रेलवे के अंदर एक आंख से जो ये ब्लाइंड रहता है अंध व्यक्ति, जिसको 99% वाले को भी रेलवे पास नहीं देती है रेलवे का, यहाँ तक मुख बधिर है और कर्ण बधिर है, अगर दोनों रहेंगे तो उनको रेलवे का पास, मगर 99% वाले को और 90% वाले को और 100% भी रहेगा अगर कर्ण बधिर मुख बधिर, तो उसे सहूलत नहीं दी जाती। इसके लिए आप मेहनत करें ना, हम आपके साथ में। मगर इस तरह का जो अभी आपने देखा रहेगा मंत्रालय के सामने, अभी मेरे कुछ दिव्यांग भाई ऊपर चढ़ गए थे, अगर एक आधा आदमी कुछ कर लेता आत्महत्या वह कर लेता है दिव्यांग फायदे के लिए, तो क्या मतलब है सर आपको, हम लोग इतनी मेहनत करके चुन के और आपको लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारे लिए एक ही भगवान है। मगर आप ऐसा काम भी करो, हम लोग आपको दैवत मानते हैं दिव्यांगों का, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप हमारा शोषण बंद करो, आप हमें मूलभूत सुविधा दे ताकि हम आपके लिए हमेशा काम करते रहे, आपके साथ में जुड़े हुए हैं हम सभी दिव्यांग, राज्य के दिव्यांग। धन्यवाद।